शहर की बस्तियों में रहने वाले लोगों को नजूल के नाम पर धोखा देने वाले मुख्यमंत्री को रुद्रपुर आने का अधिकार नहीं है। पहले शहर की बस्तियों को मालिकाना हक दे, बाद में मुख्यमंत्री रुद्रपुर आए। भाईचारा एकता मंच के कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार ने कहा कि मुख्यमंत्री जनपद के होने के बाद भी अन्य नेताओं की तरह जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मालिकाना हक के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। संगठन अन्य मुख्यमंत्रियों का विरोध करता रहता है और अब जनपद के मुख्यमंत्री का भी विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले शहर के लोगों को मालिकाना हक दें, बाद में रुद्रपुर आए, नहीं तो उनका भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा आज किस विषय को लेकर मीटिंग की है। देखिए, नजूल पर मालिकाना हक को लेकर भाजपा सरकार पिछले काफी समय से गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि नजूल पर बसने वाले सभी लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। यहाँ खूब डटके पोस्टर लगे, लड्डू बटे, सब कुछ हो गया, लेकिन परिणाम वही, रिजल्ट के कुछ नहीं हुआ। हमने पहले मुख्यमंत्रियों का भी विरोध किया था, जब तक नजूल पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तब तक मुख्यमंत्री को रुद्रपुर आने का अधिकार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जनपद ऊधम सिंह नगर के हैं और आए दिन जनपद ऊधम सिंह नगर में रहते हैं। हमने अब तक इनका विरोध नहीं किया था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हो सकता है पुष्कर सिंह धामी को शहर की गरीब जनता की सुधाए और वो नजूल पर मालिकाना हक दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब हम विरोध कर रहे हैं, नजूल पर बैठे वाले लोगों को मालिकाना हक मिलना और ट्रांजिट कैंप की जमीन पर बैठे धानबाद की भूमि का समाधान हमारी मांग है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा विरोध जारी है।